नोटबंदी में सेंध लगाने वालों, काले धन की हीराफेरी करने वालों पर मुंबई में हुआ ट्रिपल अटैक। एयरपोर्ट से 24 लाख की नई करेंसी और 44 लाख की विदेशी करेंसी पकड़ी गई, तो वहीं नवी मुंबई में कमीशन खोरों से मिले 46 लाख के नए नोट। नोटबंदी में नए नोटों के हेराफेरी में लगे शातिर खिलाड़ियों पर मुंबई में हुआ ट्रिपल अटैक। एयरपोर्ट से पकड़े गए 24 लाख के नए नोटों की खेप और यहीं से धरे गए 44 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ तीन लोग, जबकि नवी मुंबई में पकड़े गए 46 लाख के गुलाबी 2000 वाले नोट। एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2000 के नए नोटों वाली इस 24 लाख की करेंसी को शातिरों ने बड़े ही खुफिया तरीके से छिपा रखा था। 2000 के नोटों को 52 लिफाफों में अलग अलग करके रखा गया था। इन लिफाफों को भी कार्डबोर्ड में छिपाकर नए रेडीमेड कपड़ों के बीच रखा गया था, लेकिन कस्टम विभाग ने इस नई करेंसी को ले जा रहे आरिफ कोयंते नाम के एक मुसाफिर को जांच के दौरान पकड़ लिया। आरिफ स्पाइस जेट के फ्लाइट से दुबई जा रहा था। एयरपोर्ट पर ही कस्टम अफसरों ने 44 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त किए। शेख वाहिद अली, सुहेल और शेख यूसुफ पाशा नाम के तीन मुसाफिर हैदराबाद से मुंबई आए तो उनके पास से मिली ये विदेशी करेंसी, जिसमें सऊदी रियाल और ऑस्ट्रेलियन डॉलर शामिल है। उधर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने कमीशन के बदले पुरानी करेंसी को नए नोटों से बदलने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 46 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ वीरेंद्र घुनावत, मुंबई आज तक। नोटबंदी में काले धन को सफेद करने में जुटे शातिर खिलाड़ियों पर शिकंजा 50 दिनों से लगातार कसा जा रहा है। दिल्ली में पुरानी करेंसी के बदले करोड़ों के नए नोट बदलने वाला कोटक महिंद्रा का एक बैंक मैनेजर पकड़ा गया है। आपको बता दें, केजी मार्ग ब्रांच में तैनात इस मैनेजर पर नोटबंदी के दौरान 34 करोड़ रुपए बदलने का आरोप है। आशीष नाम के इस मैनेजर पर दिल्ली के एक बड़े हवाला नेटवर्क से सांठगांठ का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अंदेशा यह है कि इस मैनेजर ने अपनी ब्रांच में कई फर्जी खाते खुलवाकर करोड़ों का हेरफेर किया। इस बीच कोटक महिंद्रा प्रबंधन की ओर से भी कहा गया कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।